मेरे फेसबुक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आप कि यहाँ पर बल्दोगढ़ ब्लॉक जिला टीकमगढ़ से लोग यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि हम लोग 15 या 20 दिन के करीब यहाँ पर रुकते हैं। कटाई होती है तो हमारे यहाँ मटर या चना या मसूर इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे यहाँ सिर्फ गेहूँ होते हैं और हम लोग एक छोटे किसान हैं, मजदूर लोग हैं, तो यहाँ पर हम अपने दार देल के लिए कर कर के जाते हैं। तो आइए हम इन्हीं से मिलाते हैं कि इन लोगों को किस तरह की दिक्कतें और क्या क्या समस्याएं होती हैं जबकि इन लोगों को अपना जिला छोड़ कर के लिए। तो चलिए हम इन्हीं से मिलाते हैं। इनका कहना है कि या 1 या 2 किलो के करीब हम लोग ऐसे, तो इससे इनका गुजारा नहीं चल पाता है। आप देख रहे हैं कि अम्मा इस तरह से बीन रही हैं डठुओं में। अम्मा थोड़ा खड़े हो जाइए आप। अम्मा खड़े हो जाइए। खड़े होके क्या कर ले? नहीं तो बड़ी मम्मी कई एक डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इन बच्चियों की अभी उम्र पढ़ने की है, फिर भी अपनी गरीबी की कगार को ले क्या नाम है बेटी आपका? बोलोगे? चंपा रेगवा। तो आप कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए? आप लोगों को 10-11 दिन। क्या करते हो यहाँ पर? कटाई करते हैं। है आप लोगों को? पहली बार आए हैं, मैंने बीन रहे हैं। तो एक दिन में कितना बीन लेते हो? 1-2 किलो। तो इससे क्या आप लोगों का गुजारा चल जाता है? नहीं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती हैं, बीनना पड़ता है, फिर उन्हें सब करना पड़ता है। आपके माँ बाप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी से गुजारा चल जाता है? नहीं चल नहीं पाता, इसलिए तो फिर काम करते हैं हम लोग। आप कितने में पढ़ रहे हो अभी? 9 पास हैं 10 फेल हैं। अभी आप पढ़ाई कर जारी रखे हो या नहीं पढ़ रहे हो? छोड़ दिए, फेल हो गए थे, इसे छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? इसका क्या कारण है? पैसे नहीं थे। देखिए इनका कहना है कि हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, पिताजी के पास, तो इस कारण से हमें अपना पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और साथ में अपने माता पिता के साथ में ये देखिए इस तरह से धूप में बिनाई कर रही हैं। इनका कहना है बस 1-2 किलो बीन लेते हैं तो इससे क्या गुजारा चलता है। क्या नाम है आपका? प्रेम। क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? सब दिक्कतें हैं, कुछ नाज नहीं है, जमीन नहीं है, उसमें गेहूं नहीं, तालाब भर जाते हैं तो पानी के, तो गेहूं नहीं होता तो मजदूरी करते रहते हैं इधर उधर। आप लोग किस जिले में आए हो कटाई करने? कुमेड़ी। इसमें आप लोग कितना बीन लेते हो? 1-2 किलो। आप लोगों का गुजारा चल जाता है? दारते का ही चल जाता है, बच्चन को खिलाते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग रह रहे तो किस तरह की सुविधाएं हैं? हर कुछ की नहीं है, पानी की नहीं है ना, कुछ की नहीं है, इधर उधर नलका लगे माँ तन लो। तो अपने जिले से इस जिले में कब से आ रहे हो? 1 साल। 2 जब भी दाल कम जाती है तो आ जाते, नंतर मजदूरी करते रहते। क्या आपके जिले में नहीं होती हैं ये चीजें? नहीं, धरती नहीं है तो कहाँ से हो जाएगी। देखिए मटर बीन रहे हैं,
पूरे दिन में 1-2 किलो बीन पाती हैं। बच्चा ना खिलाऊने तो वो तो बीन नहीं। ऐसा नहीं, मत थाने में जमा कर दे वो। थाने क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा मथुरा भाई। आप टीकमगढ़? क्या दिक्कतें होती हैं जबकि आपको इधर आना पड़ा? परेशानी है खाने पीने की, इसलिए निकल जाते। गेहूँ काटने के लिए, मसूर चने बीनने के लिए। एक दिन में कितने? अब बुढ़े आदमी 1-1.5 किलो बीन लेते हैं। कब से बिनाई कर रहे हो? कितने दिन हो गए अभी आप? अभी हो गया हफ्ता, 10 दिन हो गए। एक हफ्ते में कितना बीन पाए हो आप? हो गया होगा ऐसे 8-9 किलो। तो कितने दिन तक बीनते रहोगे? जब तक मिलते रहेगी, जब तक बीनते रहेंगे, फिर धूप लगने लगेगी चले जाएंगे। तो क्या इससे आप लोगों का गुजारा चल जाता है क्या? चल जाता है, थोड़ा सा चलता है, फिर अपने मजदूरी करने चले जाते हैं। बच्चन को खिला रख जाती, फिर इसके बाद चले जाती मजदूरी करने। आपके यहाँ नहीं होती हैं ये चीजें? अब खेती बाड़ी भी नहीं है, इसलिए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर कितना मिलता है आप लोगों को कटाई करने जाते हो तो? कितने की मेरा प्रेम? 150 150 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग रह रहे हैं तो क्या क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए रहने की? अपने सब घर से ले आते, कोई सुविधा नहीं है। खाली ये सुविधा है कि खाली ये चने मसूर मटर मिलती है बीनने के लिए, कटाई करने के लिए। इसलिए आपके घर पे कोई रहता है या ताला डाल के लेकर के आए हो? क्या इनका कटाई करने का उम्र है अभी? अब स्कूल बंद हो गई जी, जमाना खराब है, तो अपनी बच्चियों को लेकर साथ में लेके आते हैं, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। और पैसे भी नहीं, इसलिए पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ा बताओ? फीस लग रही, सब कुछ लग रहा है। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि कृष्णा आ जा बेटा, बेनी कछु नहीं खाता जा।